Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Welcome to the learning session through Virtual Training Center of Municipal Corporation of Greater Mumbai. Dear students, from this session, we'll start preparation for scholarship examination. So, let's begin our session. Today's topic is vocabulary, which is unit number 1 for standard 8 English scholarship. This is part 2 for unit number 1 vocabulary, subunit 1.1 writing words using given clues. What is the meaning of vocabulary? वोकैबुलरी के लिए हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ज़ख़ीरे अल्फाज. वोकैबुलरी मीन्स नोइंग मोर एंड मोर वर्ड्स एंड यूजिंग देम इन डे टू डे लाइफ इन स्कूल एंड आउटसाइड द स्कूल. ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज को जानना और उन अल्फाज को रोज़मर्रा ज़िंदगी में गुफ्तगु के दौरान इस्तेमाल करना, चाहे आप स्कूल में हों, स्कूल से बाहर हों, घर में हों. तो जितने ज़्यादा अल्फाज आपके पास होंगे, आप उनका इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर सकेंगे. Certainly, vocabulary plays an important role इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. ज़ख़ीरे अल्फाज का होना बहुत ज़रूरी है. जिस ज़बान में आप गुफ्तगु करना चाहते हैं, उस ज़बान के अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके पास होगा तो उसे आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक रोज़मर्रा बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड लर्निंग द वर्ड्स विद कॉन्टेक्स्ट एंड यूज़ ऑफ डिक्शनरी हेल्प्स टू एनरिच आवर वोकैबुलरी. अब डिक्शनरी किसे कहते हैं आपको पता है? ये देखिए आप, ये है डिक्शनरी जिसमें मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं और उन अल्फाज के मीनिंग्स दिए हुए होते हैं. बेसिकली डिक्शनरी इज़ अ बुक दैट लिस्ट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड एक्सप्लेन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज और गिव्स इक्विवेलेंट वर्ड्स इन अनदर लैंग्वेज. तो डिक्शनरी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा ज़ख़ीरे अल्फाज वसी हो सके, हमारी वोकैबुलरी जो है वो एनरिच हो सके. दिस इज पार्ट टू फॉर यूनिट नंबर 1 वोकैबुलरी, सब यूनिट 1.1 राइटिंग वर्ड्स यूजिंग गिवन क्लूज. Let's see what is question number 9. Choose from the alternatives a word which does not explain the action word to see. क्या मतलब है इसका? आपको choose करना है, मुंतखिब करना है from the alternatives जो मुतबादिल दिए हुए हैं, उनमें से एक लफ्ज चुनना है which does not explain the action word to see. जो एक्शन वर्ड टू सी को एक्सप्लेन नहीं करता, यानी कुछ मुतबादिल जो दिए हुए हैं उनका मतलब टू सी नहीं है. टू सी यानी देखना. तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम क्या है. नंबर 1 टू वॉच. टू वॉच यानी लुक एट. ऑप्शन नंबर 2 इज टू पीप. टू पीप यानी झांकना.
नंबर थ्री टू लुक आफ्टर, सुना है कभी आपने टू लुक आफ्टर? आई हैव टू लुक आफ्टर माई यंगर सिस्टर. लुक आफ्टर, टू लुक आफ्टर मीन्स टू टेक केयर, ध्यान रखना. ऑप्शन नंबर फोर इज टू ऑब्जर्व, मुशाहिदा करना. तो आमतौर पर जो सवालात होते हैं उनमें हमें सही मुतबादिल चुनने के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ें अगर तो चूज़ फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स अ वर्ड विच डज नॉट एक्सप्लेन द एक्शन वर्ड टू सी, जो कि एक्शन वर्ड टू सी के मीनिंग में इस्तेमाल नहीं होता या एक्शन वर्ड टू सी को एक्सप्लेन नहीं करता. यह डज नॉट लव्स जो है उस पर आपका ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है. तो ऑप्शंस में आप देख लीजिए टू वॉच, टू पीप, टू ऑब्जर्व, ये सब टू सी से ही ताल्लुक रखते हैं, एक्शन वर्ड टू सी से. मगर टू लुक आफ्टर, हालांकि टू लुक यानी देखना, मगर फ्रेज टू लुक आफ्टर का मतलब है टू टेक केयर, ध्यान रखना, ख्याल करना. सो ऑप्शन नंबर थ्री जो है इट डज नॉट एक्सप्लेन द एक्शन वर्ड टू सी. ऑप्शन नंबर थ्री इज एक्चुअली डजंट एक्सप्लेन द एक्शन वर्ड टू सी. तो यहाँ हम टू लुक आफ्टर जो नंबर थ्री पर है, नंबर थ्री को हम डार्क सर्कल करेंगे. तो आप समझ गए अच्छी तरह व्हाई ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप ऐसा अल्टरनेटिव चुनिए दिए हुए अल्फाज में से विच डज नॉट एक्सप्लेन द एक्शन वर्ड. एंड व्हाट इज दैट एक्शन वर्ड? इट्स टू सी. सो टू वॉच, टू पीप, टू ऑब्जर्व, ये सब एक्शन वर्ड टू सी को एक्सप्लेन करते हैं एक तरीके से. मगर टू लुक आफ्टर उसका मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है. टू लुक आफ्टर यानी ख्याल रखना, ध्यान देना, टू टेक केयर. इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द एक्शन वर्ड टू सी, इसलिए हमने नंबर थ्री पर डार्क सर्कल किया. क्वेश्चन नंबर टेन इज विच वर्ड विल यू एड टू द गिवन रजिस्टर. आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड में वर्ड रजिस्टर किया है, याद आया आपको? कोई मखसूस जगह या मखसूस चीज से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं. तो यहां पर स्वीट, सावर, स्पाइसी, तो इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं इस वर्ड रजिस्टर में इन अल्फाज से रिलेटेड? आइए ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन नंबर वन इज टंग, नंबर टू सॉल्टी, नंबर थ्री हैप्पी एंड नंबर फोर हंग्री. मुझे लगता है ये सवाल आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ ऊपर जो वर्ड रजिस्टर है उसमें स्वीट, सावर, स्पाइसी, टेस्ट की बात हो रही है. तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा लफ्ज़ जो है वो टेस्ट जाहिर करता है. ऑप्शन नंबर वन टंग, नॉट एट ऑल, टंग यानी ज़बान. नंबर टू इज सॉल्टी, नमकीन, बिल्कुल ठीक, मगर दूसरे ऑप्शंस भी हम देख लेंगे. नंबर थ्री हैप्पी, ये एक फीलिंग है, खुश होना. और नंबर चार हंग्री, भूख से इसका ताल्लुक है. तो वन थ्री एंड फोर ये जो हैं स्वीट, सार और स्पाइसी के इस वर्ड रजिस्टर में शामिल नहीं हो सकते. नंबर टू जो है सॉल्टी, वी कैन ऐड दिस टू स्वीट, सावर, स्पाइसी एंड सॉल्टी. तो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट, इसलिए हम आंसर शीट में नंबर
टू पर डार्क सर्कल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज द कैट इज एज सॉफ्ट एज। तो अब आपको बताना है, पंचम जमात में हम कर चुके हैं ये, फिफ्थ स्टैंडर्ड में आपने किया है। कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज की बुनियाद पर हम एक चीज को दूसरे की तरह बताते हैं। तो यहाँ है द कैट, और कैट जो है वो सॉफ्ट है। किसकी तरह सॉफ्ट है? द कैट इज एज सॉफ्ट एज, ऑप्शंस देख लेते हैं। नंबर वन इज कॉटन, नंबर टू केक, नंबर थ्री बनाना, या नंबर फोर क्रीम। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। द कैट इज एज सॉफ्ट एज कॉटन। तो ऑप्शन नंबर वन पर हम डार्क सर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेयर इज द ऑड वन इन द फॉलोइंग पेयर्स। तो अब तक एक लफ्ज होता था, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं पेयर्स दिए हुए हैं, जोड़ी दी हुई है अल्फाज की, और आपको इसमें से ऑड वन पहचानना है। तो विच पेयर इज द ऑड वन इन द फॉलोइंग पेयर्स। आइए देखते हैं ये पेयर्स जो हैं वो कौन से अल्फाज हैं। ऑप्शन नंबर वन इज बर्ड्स फ्लाई। तो ऑप्शन नंबर वन पढ़ते ही आपको पता चल गया कि यहाँ पर बर्ड्स या एनिमल्स के मूवमेंट दिए होंगे। तो बर्ड्स फ्लाई, नंबर टू लैम्ब जंप, नंबर थ्री हॉर्स गैलोप, एंड नंबर फोर स्नेक स्लिथर। तो देखिए यहाँ आपकी वोकैबुलरी जो है वो अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, एनिमल्स के मूवमेंट के मुतालिक, उनके एक्शंस के मुतालिक। तो आप देख रहे हैं बर्ड्स फ्लाई, हमको ऑड वन आउट करना है। तो बर्ड्स फ्लाई, यस बर्ड्स जो हैं वो उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई। लैम जंप, एक्चुअली लैम जो है स्किप्स एंड नॉट जंप्स। थर्ड ऑप्शन देखते हैं हॉर्स गैलोप, हॉर्स जो तेजी से दौड़ता है, हॉर्स के इस दौड़ने को गैलोप कहते हैं। और स्नेक जो है वो रेंगता है, स्लिथर। मगर लैम्प जो है वो स्किप्स एंड नॉट जंप्स। तो यहाँ पर जो अदर ऑप्शंस हैं दे आर अप्रोप्रिएट वर्ड्स विच एक्सप्लेन एनिमल मूवमेंट। स्लिथर मीन्स टू मेक मूवमेंट बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड अलोंग द ग्राउंड। तो सांप को कभी रेंगते हुए देखा होगा आपने। बर्ड्स फ्लाई, हॉर्स गैलोप, स्नेक स्लिथर, ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो अप्रोप्रिएट हैं। इनमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं एनिमल्स एक्शन के वो प्रॉपर हैं, सिवाय ऑप्शन नंबर टू के जो कि है लैम्प जंप। तो लैम्प जो है वो हम जंप नहीं कहते बल्कि स्किप, लैम्प स्किप्स। सो ऑप्शन नंबर टू यहाँ पर ऑड वन है। तो ऑप्शन नंबर टू पर हम डार्क सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज यहाँ आप देख रहे हैं कुछ तस्वीर हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है पढ़ लेते हैं। चूज द करेक्ट पिक्चर फ्रॉम द गिवन गेम एंड फिल इन द ब्लैंक। तो तस्वीर में आप देख रहे हैं कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, गेम्स से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं, और फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें एक हमको फिल इन द ब्लैंक दिखाई दे रहा है। तो चूज द करेक्ट पिक्चर फॉर द गिवन गेम एंड फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट इज बैडमिंटन रैकेट, आर्चरी बो, क्रिकेट बैट, हॉकी डैश, यू हैव टू फिल दैट ब्लैंक। तो बैडमिंटन रैकेट से खेला जाता है, आर्चरी यानी तीरंदाजी में एरो एंड बो होते हैं,
क्रिकेट में बैट होता है और हॉकी में क्या होता है, इन तस्वीर में से आपको चुनना है। तो तस्वीर देखिए, नंबर वन तो स्टंप्स दिख रहे हैं हमें। हॉकी में इस्तेमाल होते हैं स्टंप्स? नहीं। फिर किस खेल में इस्तेमाल होते हैं स्टंप्स? आर यूज्ड इन क्रिकेट और हॉकी में नहीं। नंबर टू में आप देख रहे हैं फुटबॉल है, तो फुटबॉल, हॉकी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर थ्री में जो स्टिक और बॉल है, ये जो स्टिक है ये हॉकी स्टिक है, हॉकी खेलते वक्त इसका इस्तेमाल होता है। और नंबर फोर शटलकॉक आप देख रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हॉकी में नहीं होता। तो यहाँ पर नंबर थ्री पर जो तस्वीर है हॉकी स्टिक की, इज द राइट आंसर। तो हॉकी एंड स्टिक के आंसर शीट में हम ऑप्शन नंबर थ्री पर, कौन सा ऑप्शन? तस्वीर का जो नंबर है, देखिए हॉकी लव्स तो ऑप्शन नंबर जो फोर है, दैट इज नॉट एक्चुअली ऑप्शन, वो क्वेश्चन का हिस्सा है। तो हॉकी नंबर फोर पर है, तो यहाँ हम ऑप्शन नंबर फोर नहीं लिखेंगे। ये बैडमिंटन, आर्चरी, क्रिकेट, हॉकी, ये तो क्वेश्चन का ही हिस्सा है। हॉकी में आप देख रहे हैं खाली जगह दी हुई है, तो खाली जगह पुर करने के लिए तस्वीर की मदद लेनी है। और आंसर में सही तस्वीर जिस नंबर पर है आपको वो नंबर लिखना है। तो हॉकी हॉकी स्टिक से खेली जाती है, तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। तो हम नंबर थ्री पर डार्क सर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज नॉट रिलेटेड विद द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट जब हम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है रिमूव और टेक आउट, स्पेशली बाय एफर्ट और फोर्स। और नाउन के तौर पर इट्स अ शॉर्ट पैसेज टेकन फ्रॉम अ टेक्स्ट, फिल्म और पीस ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट है वो आपके लिए एक फमिलियर जानी पहचानी नज्म का हिस्सा है, जो छोटी जमात में आप पढ़ चुके हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ये नज्म का हिस्सा जो है हमने उसे पढ़ लिया। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज नॉट रिलेटेड विद द एक्सट्रैक्ट। तो आइए पहले ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं। नंबर वन इज राइम, नंबर टू रिदम, नंबर थ्री म्यूजिक एंड नंबर फोर प्रोज। तो ये जो एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ा, द अबव एक्सट्रैक्ट इज अ पोयम, तो पोयम में रिदम होती है, राइम होती है, एंड वी कैन सिंग दिस पोयम इन अ प्रॉपर नोट, सो इट हैज म्यूजिक एंड रिदम टू, बट इट हैज नॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। लिहाजा नंबर फोर जो है, ऑप्शन नंबर फोर, दैट इज प्रोज। प्रोज यानी नसर, तो ये तो नज्म है, नसर नहीं है, लिहाजा इट इज नॉट रिलेटेड विद द एक्सट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर फोर जो है प्रोज इज नॉट रिलेटेड विद दैट एक्सट्रैक्ट। तो ऑप्शन नंबर फोर यहाँ सही जवाब है। आंसर शीट में हम ऑप्शन नंबर फोर पर डार्क सर्कल करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पॉइंट आउट द ऑड थिंग्स। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, कुछ अजीब लग रही है ना हमें।
शेर और हाथी, हाथी का ट्रंक हमें दिखाई दे रहा है, सूंड दिखाई दे रही है, और बॉडी जो है वो तो लायन की है. तो ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पॉइंट आउट द ऑड थिंग्स. तो क्या आपको ऑड अजीब लग रहा है वो आपको पॉइंट आउट करना है, बताना है. तो ऑप्शन नंबर वन इज ट्रंक टू द लायन, ये जो सूंड है वो आपको अजीब लग रही है. मेन टू द लायन, टेल टू द लायन, और विस्कर्स ऑफ लायन. तो ऑप्शन नंबर वन जो है ट्रंक टू द लायन, ये बिल्कुल अजीब लग रहा है हमें. मेन टू द लायन, मेन का मतलब अ ग्रोथ ऑफ लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ अ हॉर्स, लायन और अदर मैमल्स. तो ये जो बड़े बड़े बाल हैं शेर की गर्दन पर, इन्हें मेन कहते हैं. ये तो कोई अजीब बात नहीं है, शेरों की गर्दन पर बाल होते हैं. टेल टू द लायन, ये भी कुछ अजीब नहीं है, दुम होती है. विस्कर्स ऑफ लायन, तो आगे आपने देखा होगा चेहरे पर मूछें भी होती हैं, उन्हें विस्कर्स कहते हैं. तो यहाँ पर जो अजीब लगने वाली चीज़ है वो है ट्रंक टू द लायन, यानी सोन. ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर हियर. तो हम ऑप्शन नंबर वन पर डार्क सर्कल करेंगे. क्यों? बिकॉज अ लायन हैज मेन, टेल एंड विस्कर्स, बट नॉट द ट्रंक. ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर. सो चिल्ड्रन, दैट्स इट फॉर टुडे. आज हमने क्या किया, यूनिट नंबर वन में सब यूनिट 1.1 के कुछ सवालात की मश्क की. तो आज हम यहीं रुकते हैं. इसी तरह हम सिलेबस में शामिल मुख्तलिफ यूनिट्स और उनके सब यूनिट्स के सैम्पल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह. तो आज के लिए इतना ही.